पक्ष विपक्ष को एक मत होना पड़ेगा और ये जरूरी है। अगर मान लो हम ये बात महसूस कर रहे हैं कि इसका राजनीतिक उपयोग हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जो हम कई ऐसे मामले हैं संविधान में, हम लगातार उसमें संशोधन करते रहे हैं और जब जरूरत के मुताबिक उसमें नए नियम जुड़ते रहे हैं, नए धाराएं जुड़ती रही हैं, घटती रही है, तो यहाँ पर भी इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। चलिए सुमरन जी, लेकिन इस बात की खुशी है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और एक व्यक्ति पर गलत धाराएं लगने से बच गई, उसकी जिंदगी बच गई, अन्यथा अगर विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाती तो शायद ये केस वापस नहीं लिए जाते। चलिए श्रीचंद सुमरन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और सुमरन जी आपका भी और शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से देखा जाए कि अब छत्तीसगढ़ में 124 जिसका पक्षधर खुद बीजेपी रही थी, अब उसका विरोध कर रही है, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की करें तो कांग्रेस जिस चीज का विरोध कर रही थी अब उसी का दुरुपयोग कर रही है। लगातार अगर देखें मुद्दा गर्माता जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, बिजली कटौती एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सरकार के हाथ पैर भी फूल रहे हैं कि आखिर इतनी बिजली देने के बावजूद भी लोग यही कह रहे हैं कि आखिर बिजली मिली ही नहीं रही है। इस पर भी सभी सरकारें मंथन कर रही हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसी कोशिश में कुछ ऐसे लोग भी उन पर गलत धारा लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन समय रहते सीएम भूपेश बघेल ने ये जो धाराएं लगी थी ये वापस ले ली, ये गनीमत रही, अन्यथा एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। मेरी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।